अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग। इंशाल्लाह आप सब अच्छे ही होंगे। तो आज मेरे दिन भर का पूरा काम खत्म हो चुका है और मैं आज डिनर में बनाई हूँ चिकन दम बिरयानी। और अभी मैं सुबह मॉर्निंग की तैयारी कर रही हूँ। अभी तक हम लोगों ने खाना नहीं खाया है। अभी रात के बज रहे हैं 10। हम लोग थोड़ा लेट खाना खाते हैं, जैसे कि हम लोग खाते हैं 11 बजे तक का हम लोग खाना खाते हैं। तो मैं सुबह में मॉर्निंग में बनाने वाली हूँ अप्पम डोसा। तो उसके लिए मैं चावल निकाल रही हूँ। तो मैं जो इडली का और अप्पम का जो भी डोसा बनाने का जो चावल रहता है मैं एक डब्बे में रखती हूँ हमेशा। तो ये एक गिलास भर के मैं दे रही हूँ। हमारे घर में काफी शौक से खाते हैं ये वाला डोसा। ये दो गिलास मैंने ये वाला राइस ली हूँ। ये मोटा राइस है, जैसे कि जो राशन के ऊपर मिलता है, मेरे को राशन मिल जाता है मेरे राशन कार्ड पे। तो मैं वो राशन कार्ड का जो भी अपना जो मिलता है, जैसे कि गेहूँ मिलता है या चावल मिलता है, कभी दाल भी मिल जाती है, तो मैं यूज करती हूँ, उसे वेस्ट नहीं जाने देती हूँ। कभी चावल का आटा बना लेती हूँ या कभी मैं इडली के लिए यूज कर लेती हूँ, डोसे के लिए यूज कर लेती हूँ, ऐसा कर लेती हूँ मैं। तो इसमें मैं अभी आधा गिलास उड़द की दाल भी डालूंगी और इसमें थोड़ा सा पवा भी डालेंगी, मगर पवे को हम अभी नहीं डालेंगे, सुबह डालेंगे। अभी मैं इसे अच्छी तरह से वॉश कर लूंगी, उड़द की दाल डालूंगी आधा गिलास, फिर इसे अच्छी तरह से वॉश करूंगी। उसके बाद में कल सुबह में मैं इसे ऑफिस से एक बार वॉश करके इसमें मैं कांदा पवा डालूंगी। सॉरी, मैं कांदा पवा बोल रही हूँ। सुबह में कांदा पवा ज्यादा बनाती हूँ ना, इसलिए मैं मुँह में कांदा पवा आ गया। तो आपको मैं बताती हूँ एक मिनट। तो ये मेरे चावल का आटा है, मैं इसी में रखती हूँ। ये बासमती राइस थोड़ा सा पैकेट में बच गया था, ये भी मैं एक डब्बे में रख देती हूँ। और ये मैदे का आटा है, सारे आटे मैं एक ही जगह रखती हूँ। ये चने का आटा है, मुझे आसान पड़ जाता है जब एक जगह ही सब सामान रहेगा तो। और ये कॉर्नफ्लेक्स है। तो ये देखिए, आप लोगों को मैं बिरयानी का टोप खोल के बता रही हूँ। ये देखिए कितनी माशाल्लाह बेहतरीन बिरयानी बनी है, बहुत झटपट से मैंने इसे बनाई हूँ। अगर आपको मेरे चिकन दम बिरयानी की वीडियो देखनी है तो मेरी यूट्यूब चैनल पे मौजूद है, तो आप देख सकते हैं। तो आइए अभी हम उड़द की दाल की तरह आई क्या अभी तक उड़द की दाल नहीं आई। इधर पे सब मुझे डब्बे वगैरह लगाने हैं, मेरा ओवन आया है, ओवन की भी अनबॉक्सिंग करनी है मुझे। तो इधर पे मैं ओवन रखूंगी और थोड़ा बहुत इधर पे ड्राई फ्रूट रखने वाली हूँ। ये स्टार मैंने अभी लगाई हूँ, आपको बहुत जल्द मेरे किचन टूर का भी वीडियो देखने मिलेगा। और ये देखिए एक मटका भी मैंने इधर रखी हूँ। पहले इधर पे ये था, क्या था, एक्वा गाइड था, तो मैंने उसे निकाल दी और मैंने ये मटका रखी। ये काफी अच्छा होता है, बहुत ही, इसका पानी रोज सुबह हमें नार पर पीना है। और आसिफ, हाँ आसिफ इसका पानी पीता है, इसका गिलास भी मैंने साथ में ली हुई है। देखिए इसे थोड़ा धोना है, धोई नहीं मैंने, ये बहुत जल्दी गंदा हो जाता है कितना भी धो। आज काफी थक गई हूँ, घर में बहुत पसारा गिरा था, घर में कुछ फंक्शन भी था कल, तो वो दौर में बहुत घर पूरा बिखर गया था। आज पूरा घर भी सैटी वगैरह सब अच्छे से सामान अपनी अपनी जगह पे लगाई हूँ, तो काफी थक चुकी हूँ। मैंने पहले भी वीडियो में बोली थी कि मेरा राशन खत्म हो चुका है, तो देखते हैं कभी मैं जाऊंगी। किधर जाते हैं अपन आते हुए राशन? डी मार्ट मॉल कब जाऊंगी। तो चलिए उड़द की दाल तो एकदम साफ है, ये सब कुछ नहीं, ज्यादा नहीं डाल रही हूँ मैं इसमें। हमें ज्यादा उड़द की दाल नहीं डालनी पड़ती है, कमी डालनी है हमें। तो जैसे कि मैंने दो गिलास राइस ली थी ये गिलास से, तो ये आधा गिलास ही मैं उड़द की दाल डाल दी हूँ। ये देखिए आप, ये देखिए आधा गिलास ही डालना है हमें।
बस ज्यादा नहीं डालनी। बिल्कुल भी कचरा नहीं है, नहीं तो आप लोग बोलेंगे आपने इसे साफ नहीं किया। देखिए इसमें बिल्कुल भी कचरा नहीं है, एकदम साफ है। इसे 3 से 4 पानी से धो लेंगे। इतने थक गई थी, बर्तन भी नहीं धोई, बर्तन भी ऐसे ही रखती हूँ, अभी तक सुबह उठी करूंगी। थोड़ी बर्तन है, हो जाएंगे। 3 पानी से धो दूंगी और फिर इसमें 3 गिलास पानी डाल के इसे भीगने रखूंगी। आप इसे 5 घंटे के लिए भी रख सकते हैं, मगर मैं अभी सुबह बनाने वाली हूँ करके इसे फुल नाइट रखूंगी मैं। तो मैंने इसमें 3 गिलास पानी डाल चुकी हूँ, ये देखिए, और अच्छी तरह से इसे धो चुकी हूँ। अभी हम इसे ढक देंगे और ढक के हम इसे फुल नाइट के लिए रख देंगे। अगर आप दिन को बना रहे हैं तो सिर्फ 5 घंटे के लिए भी भिगा सकते हैं। तो चलिए अभी, कल सुबह मिलते हैं। गुड नाइट। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? इंशाल्लाह आप सब अच्छे ही होंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहती हूँ, ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ ये मेरा पहले का ही वीडियो है। मुझे सिर्फ इसमें आवाज़ डालनी थी। ये मंडे की मॉर्निंग का वीडियो है, तो मैं ये वीडियो पहले से ही बना के रखी थी और अभी इसमें मैं आवाज़ डाल रही हूँ। तो ये मैंने चावल को धो के ले ली हूँ। अभी इसके अंदर मैं पवा डालूँगी। पवे को मैंने भिगा के रखी थी, पवे का पूरा पानी निकल चुका है। अभी हम थोड़ा सा चावल डाल देंगे मिक्सर के जार में और इसमें थोड़ा सा पवा डालेंगे। देखिए भिगा के रखने से पवा कितना फरारा हो चुका है, बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं है। इसमें हमें हल्का सा पानी डालना है और इसे पीस लेना है। एकदम ज़्यादा बारीक नहीं पीसना है, थोड़ा सा ज़्यादा मोटा पीसना है। पीसने के बाद में ही हम इसमें नमक और सोडा मिलाएंगे। बीच बीच में अगर हमें पानी की ज़रूरत लगी तो हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे। ये मैंने पहले ही वीडियो बना के रख दी थी, मुझे बनाने नहीं मिला था। तो ये देखिए, ये हमारा तैयार हो चुका है। ये देखिए, हमें इतना ही पतला रखना है, एकदम घट भी नहीं रखना है, एकदम पतला भी नहीं रखना है, और हल्का सा ज़्यादा मोटा रखना है। इसमें नमक डालेंगे, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए, ज़्यादा नमक मत डालिए क्योंकि चटनी में भी नमक होता है। नमक डालने के बाद में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसमें सोडा डालेंगे, खाने का सोडा भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये मैं ज़्यादा नहीं डालूँगी, हल्का सा डालूँगी। ये देखिए कितना मैं डाल रही हूँ, 1/4 मैं सोडा डाल रही हूँ इसमें। इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो चलिए अभी हम चटनी बना लेते हैं। तो चटनी बनाने के लिए मैंने हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिए, और ये मैंने थोड़ी सी लहसुन की कलियां ली हूँ यानी 10 से 12, और थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा ली हूँ मैंने, उसे कटिंग कर ली हूँ, 1 चम्मच जीरा और थोड़ा सा हरा धनिया। आधा वाटी खोबरा यानी नारियल, 1 गिल्ला नारियल है। आधा कप मैंने ये ली हूँ फुटाने यानी इसे चने की दाल भी बोलते हैं, भुजी हुई। और ये मैंने आधे कप से भी कम यानी 2 चम्मच, ऐसे छोटे वाले 2 चम्मच मैंने ये सेंग ली हूँ। सेंग को मैंने भून के इसका कवर उतार ली हूँ। हल्का सा पानी डालेंगे। ये चटनी अच्छे से पीसे जाए। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए। पीस
यहाँ पे हमारी चटनी पीस के हो चुका है। इसे हम एक अलग बर्तन में निकाल लेंगे। अभी हम इसका बघार तैयार करेंगे। अगर आपको चटनी अगर ज़्यादा घट लग रही है तो आप थोड़ा सा इसमें पानी मिक्स कर सकते हैं। जैसे कि मिक्सर के जार में हल्का सा पानी डाल लीजिए, उसमें चटनी लगी होती है उसी को हम धो के इसमें डाल देंगे। एकदम ज़्यादा पतली भी मत करना चटनी, तो खाने में मज़ा नहीं आता है। एक बार मिक्स कर लीजिए अच्छे से। ये देखिए, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिए। तो चलिए, बाकी के जो सामान है उसे हम साइड में रख देते हैं। अभी हम चटनी का तड़का रेडी कर लेते हैं, यानी बघार। तो इधर पे मैंने गैस को ऑन कर दी हूँ और उसके ऊपर रखी हूँ पैन। इसमें जाएगा 3 से 4 चम्मच तेल। मैं चटनी में हमेशा तेल का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा करती हूँ। 1 चम्मच राई जाएगी। राई जब थोड़ी सी हल्की सी तड़कने लगेगी तो इसमें 1 सूखी मिर्ची डाल देंगे तोड़ कर, और थोड़े से करी पत्ते। इसे नीचे ऊपर कर लेंगे अच्छी तरह से। हल्का सा इसका कलर जब चेंज हो जाएगा तो हम इसे चटनी में डाल देंगे। तो ये हमारी चटनी रेडी हो चुकी है। इसे अभी हम एक साइड में रख देंगे हल्की तरह से मिक्स करके। ये देखिए, आइए अभी हम डोसा बना लेते हैं। तो ये मैं अपने स्टाइल में बना रही हूँ, जैसा मुझे आता है मैं वैसा बना रही हूँ और आप लोगों के साथ में शेयर भी कर रही हूँ। तो 1 चम्मच भर के मैंने डाली हूँ और थोड़ा सा और डाली हूँ। इसे हल्के हाथों से प्रेस कर लेंगे ऐसे। देखिए, इसके ऊपर हल्के हल्के से बबल आने लगे हैं। 1 मिनट तक का हमें ऐसे ही रखना है और 1 मिनट बाद इसे हम ढक देंगे। ढककर हम 1 मिनट पका लेंगे। ये बहुत तुरंत हो जाता है, इसे टाइम नहीं लगता है बनने के लिए। देखिए हमारे डोसे कितने अच्छे जालीदार बने। जाली ले इसमें से दिख रही है, एकदम जालीदार, अच्छे जालीदार आए हैं पूरे डोसे हमारे। देखिए उसकी जाली दिख रही है ना, ऐसे ही आना चाहिए। और देखो ज़्यादा पतला भी नहीं, एकदम ऐसे हाथों में ऐसे एकदम सॉफ्ट। एक मिनट बाद हम इसे पलट देंगे, मतलब ढक्कन को खोलेंगे, हम पलट नहीं देंगे। ढक्कन खोलकर एक बार चेक कर लेंगे। और मैं इसे एक बार पलट लूँगी, ज़्यादा टाइम नहीं, बस 5 मिनट के लिए पलटूँगी फिर निकाल लूँगी। ये देखिए ऐसे। तो ये हमारे अच्छे से डोसे रेडी हो चुके हैं। तो ये अभी हमारे डोसे रेडी हो चुके हैं और ये हमारी चटनी भी रेडी हो चुकी है। तो इंशाल्लाह आप भी बनाओ और दुआ में याद रखना। और इस तरह की अच्छी अच्छी रेसिपी की वीडियो देखने के लिए और अच्छे अच्छे ब्लॉग देखने के लिए मुझे यूट्यूब पे फॉलो करो, लाइक करो, शेयर करो। और दोस्तों आप लोगों से गुजारिश है कि मेरी अम्मी के लिए भी दुआ करो।